और ग्वालियर में तीसरी कक्षा के एक बच्चे ने खुद को फांसी लगा ली। बच्चा घर में बैठकर टीवी देख रहा था, जैसे ही बच्चे ने टीवी पर फांसी का दृश्य देखा उसने उसे अपने ऊपर आजमाने की कोशिश की और गले में रस्सी डालकर पंखे से लटक गया। इससे पहले कि बच्चे को बचाया जाता काफी देर हो चुकी थी। 9 साल के बच्चे का खौफनाक कदम, घर में फांसी लगाकर दे दी जान, टीवी का दृश्य देखकर की खुदकुशी। जी हाँ, दिल दहला देने वाली ये वारदात ग्वालियर के प्रीतम विहार कॉलोनी की है, जहाँ तीसरी क्लास में पढ़ने वाले मोहित मिश्रा नाम के इस बच्चे ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। तो जो परिवार वालों ने बताया है कि इसने रस्सी फेंक कर ऊपर पंखे में फंसाने की कोशिश की है और उसके बाद दुर्घटनावश इसकी मौत हो गई है, रस्सी का फंदा फंस जाने के कारण उस पंखे में। तो जो भी तथ्य सामने आएंगे उसकी पूरी विवेचना की जा रही है। घर वालों के मुताबिक मोहित घर की ऊपरी मंजिल के कमरे में अकेले टीवी देख रहा था, इसी दौरान वो ऊपरी मंजिल से नीचे वाले कमरे में आया और गले में रस्सी डालकर पंखे से लटक गया। घर वालों को इस बात की आशंका है कि टीवी में फांसी का दृश्य देखकर मोहित ने उसे अपने ऊपर आजमाने की कोशिश की और यही कदम उसके लिए घातक साबित हुआ। अंदर वाले किरायेदार ने देखा होगा तब उसने बताया कि सलोनी तुम्हारे भाई को क्या हो गया, उसने आके तब देखा, उसको उठाया, तब पानी फानी पिला, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, फिर भी वहाँ कुछ नहीं। मोहित ने जब ये कदम उठाया तब घर में सिर्फ उसकी बहन मौजूद थी, पिता काम पर गए थे और माँ सब्जी लेने बाजार गई थी। मोहित की बहन पास वाले कमरे में खेल रही थी। भाई की आवाज सुनकर बच्ची ने जब उस कमरे में जाकर देखा तो मोहित पंखे से लटक रहा था। उसे इस हालत में देखकर बच्ची ने पड़ोसियों को बुलाया। उसके आसपास के लोगों ने मोहित को फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाप तो प्लम्बरी का काम करते हैं, माँ उनकी सब्जी लेने गई थी, तो बच्ची को जैसे मालूम पड़ा तैसी बच्ची उठा, पड़ोसी को किसी को बुला के उसको लेके हॉस्पिटल गए, बिरला हॉस्पिटल, तो वहाँ उन्होंने जो कहा खत्म हो गया। महज 9 साल का बच्चा इस तरह के आत्मघाती कदम उठा सकता है, जानकर कोई भी हैरान रह जाए, लेकिन यह घटना उस हर माँ बाप को सावधान करने के लिए काफी है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। जी मीडिया आपको सावधान करता है कि टीवी देख रहे बच्चे पर नजर रखें और किसी भी सूरत में अकेले ना छोड़ें। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। और ग्वालियर में जी मीडिया संवाददाता सुशील कौशिक ने उस घर का जायजा लिया जहां तीसरी क्लास के छात्र मोहित मिश्रा ने पंखे से लटक कर जान दे दी। बच्चे ने जिस कमरे में पंखे से लटक कर जान दी उस कमरे में कोई किराएदार रहता था। ग्वालियर के पिंटू पार्क इलाके के बीएम स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ने वाले मोहित मिश्रा ने कल फांसी लगा ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। कल रात मोहित इसी कमरे में टीवी देख रहा था और इसी टीवी पर कोई दृश्य आया और दृश्य देखने के बाद वो विचलित हुआ और नीचे उठकर गया और वहां पर रहने वाले किराएदार के मकान में उसने पंखे से फांसी का फंदा लगाया और फांसी लगा ली। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ वो किराएदार। क्या नाम है आपका? उदय सोनी। उदय, किस तरह से क्या जानकारी लगी? सर मेरे को तो कोई जानकारी नहीं, मैं शाम को मैं दिन में गया था काम करने के लिए, तो वहां से शाम को लौटा, 7:30 बजे मुझे बताया गया ऐसे फांसी लगा ली उसने और वहां पे भीड़ जुड़ रही थी पिंटो पार्क पे उनके घर, तो मैं वहां पहुंचा तो वहां पे ये सब कुछ देखा मैंने। जी आपके कमरे में फांसी लगाई थी? जी हाँ। तो आपको जानकारी मिली किस तरह से? क्या सर, इतना मेरे को बताया नहीं, इतना तो मेरी ऐसे ऐसे फांसी लगा ली, ये नहीं पता कैसे लगा ली। सही, तो कुल मिलाकर ये बेहद सनसनीखेज घटना है कि एक तीसरी क्लास के 9 साल के छात्र ने टीवी पर कोई सा दृश्य देखा और उसके बाद उसने फांसी लगा ली। पुलिस और परिवार इसी बात की तफ्तीश कर रहा है कि आखिर ये घटना किस तरह से हुई। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर।